बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम लोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि रावण यानी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की तबियत का मामला काफी ज्यादा पिछले दिनों से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के जो पर्सनल डॉक्टर थे अरिजीत सिंह बट्टी, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर आजाद की तबियत काफी ज्यादा खराब है। उसके बाद आपको बता दें कि ट्विटर अकाउंट हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म हो, तमाम जगहों पर चंद्रशेखर आजाद को इलाज की मांग की गई। उसके अलावा आपको बता दें फिल्म अभिनेता भी कहीं ज्यादा सपोर्ट में आए, जो कि फिल्म निर्माता है डायरेक्टर वो लोग भी सपोर्ट में है चंद्रशेखर के। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके चंद्रशेखर आजाद को बात कही कि उनका इलाज करवाया जाना चाहिए। इसी बीच आपको बता दें कि जब राहत नहीं मिली और चंद्रशेखर आजाद को इलाज के लिए बाहर नहीं जमा करवाया गया, तो उसके बाद अब भीम आर्मी की तरफ से हाईकोर्ट का या कोर्ट का है वो दरवाजा खटकाया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट के अंदर भीम आर्मी के वकील महमूद प्राचा की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, जिसके अंदर लिखा गया है कि आवेदन दाखिल किया गया है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और जेल प्रशासन इसके प्रति बिल्कुल भी सख्त नहीं है और उनको इलाज नहीं करवा रहा है। चंद्रशेखर आजाद की जेल में जान जा सकती है, वो मर भी सकते हैं, तो इस वजह से चंद्रशेखर आजाद को जल्द से जल्द एम्स में शिफ्ट किया जाए। आपको बता दें कि ये बड़ी घटना आने के बाद अब वो याचिका दाखिल हो चुकी है और इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस याचिका के अंदर जो बातें लिखी गई है, अगर उन पर सुनवाई होती है तो बड़ी हो सकती है, नहीं तो अभी तक इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो भीम आर्मी के लिए बड़ी राहत की खबर हो सकती है अगर कोर्ट उनकी तरफ से कोई भी सहायता मुहैया करवाता है। इधर आपको बता दें कि वकील जो है भीम आर्मी के महमूद प्राचा, उन्होंने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर आजाद की जान है वो जेल के अंदर खतरे में है और जेल प्रशासन बिल्कुल भी सख्त नहीं है। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेट के साथ, तब तक आप चले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।